नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते एक नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा महिला मोर्चा का एक ही नारा, HB 13 हो सबका हमारा, यह कहना था बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान का। स्थानीय तोशाम रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में शनिवार को सोनीपत से पहुंची सुमित्रा चौहान ने कहा कि महिला दिवस पर हम सबको संगठन और स्वयं को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। तोशाम बाईपास पर स्थित जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला विंग की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संगठन का आकलन करवाने व संगठनात्मक मजबूती के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं का उत्थान करना है, इसलिए उनका महिलाओं के उत्थान और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए एक ही नारा है और वह है हरियाणा महिला मोर्चा का एक ही है नारा, HB 13 हो सबका हमारा। भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सेलिब्रेशन के लिए और मंडलों की अध्यक्षों से बातचीत करने के लिए आज की जो बैठक हमारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई है, मैं संगठन की मजबूती के लिए और 8 मार्च के कार्यक्रम की तैयारी के लिए भिवानी जिले में आई हूँ। संगठन का आकलन और यहाँ पर चुनाव होने वाला है, हमारी कमल का फूल खिलेगा, संगठन बहुत मजबूती से काम करेगा। 31 वार्ड हैं, उनके प्रभारी हम नियुक्त करेंगे। आज की बैठक का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती के लिए था सिर्फ। आज हरियाणा महिला मोर्चा का एक अपना नारा है, मैं कहूँगी हरियाणा महिला मोर्चा का एक ही नारा, HB 13 हो सबका हमारा। जब महिला स्वस्थ होगी तो भारत स्वस्थ होगा। स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत, सक्षम महिला सक्षम भारत, आत्मनिर्भर महिला आत्मनिर्भर भारत, इन तीन बातों के लिए हमने चर्चा की। और मैं हमेशा कहती आई हूँ एक बात, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए, उद्योग लगाने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। ये सारी हमने चर्चा की। आधी आबादी पूरा हक, सम्मान समानता और सुरक्षा, ये बात मैं हमेशा कहती आई हूँ, हरियाणा महिला मोर्चा कहता आया है। और इस बात को सार्थक, निरंतर महिला को 2 कदम आगे बढ़ी है, 4 बढ़ाने में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर लगे रहते हैं। उनका एक सपना है कि महिलाएं, जब तक जिस तरीके से लोकल बॉडीज में हरियाणा की सरकार ने 50% की बात रखी है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन विधानसभा और लोकसभा में भी आधी संख्या में हमारी बहनें बैठेंगी। देखिए, आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा चौहान जी संगठन की बैठक जिले की आज करने के लिए आई है, जिसमें मंडल स्तर की हमारी पदाधिकारी यहाँ इस बैठक में मौजूद रही है। और आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसको पूरा देश और दुनिया बहुत ही महिलाओं को समर्पित करके मनाती है। उसी कड़ी में महिला मोर्चा भी HB 13 का जो महिला मोर्चा ने नारा दिया है, मंडल स्तर पर ब्लड चेकअप कैंप लगा रहा है, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हर प्रदेश की महिला का HB 13 हो और हमारे प्रदेश की महिलाएं स्वस्थ हों। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अगुवाई में ये पूरे संगठन का भी और सरकार का भी पूरे दायित्व के साथ सरकार ये काम कर रही है। और हमारा भी ये प्रयास है कि हम भी संगठन के तौर पे सरकार का सहयोग करते हुए अपनी महिलाओं बहनों को स्वस्थ के तौर पर मजबूत करें, उनका HB बढ़े, इसका प्रयास महिला मोर्चा 8 मार्च को करने जा रहा है। हमारे यहाँ पर 15 मंडल हैं, लगभग 9 मंडलों में ये कार्यक्रम निश्चित रूप से तय हो चुका है। और मैं बहन सुमित्रा चौहान जी को आश्वासन दिलवाती हूँ कि 9 मंडलों में कार्यक्रम भव्य होगा और आलिशान ये कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा की लिस्ट हमने सुमित्रा जी को दे दी है, उसके निमित्त ये कार्यक्रम होगा। जी, HB 13 का जो एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है महिलाओं को लेकर, उसके लिए ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसकी प्रदेश संयोजक मुझे बनाया गया है।
देखिए, इसका HB13 का उद्देश्य है कि किसी भी महिला में खून की कमी ना हो। हर महिला का हीमोग्लोबिन 13 तक होना चाहिए। किसी भी महिला में खून की कमी होगी तो वो उस तरह से कार्य नहीं कर सकती है जो कि एक HB13 या 12-14 तक एक एवरेज जो होता है उस तक जो महिला का हीमोग्लोबिन होता है वो कार्य कर सकती है। स्वर्गीय सेठ भागीरथ मल बुआनी वाला एक विकास पुरुष थे जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में समर्पण भाव से कार्य किया। यह कहना था श्री भागीरथ मल बुआनी वाला स्मृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पवन बुआनी वाला का। स्वर्गीय भागीरथ मल बुआनी वाला की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ स्वर्गीय श्री भागीरथ मल के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके किया गया। श्रद्धांजलि सभा में वाद्य यंत्रों में निपुण भजन कलाकार रामोतार ने बेहतरीन भजनों की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बुजुर्गों द्वारा स्थापित की गई संस्थाएँ, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र की, हम सब मिलकर उनके द्वारा संजोए गए स्वप्नों को साकार करने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के दिए गए संस्कारों का अनुसरण करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। समाज सेवी प्रीतम अग्रवाल ने कहा कि सेठ भागीरथ मल बुआनी वाला उदारतापूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम समाज सेवा एवं शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने लिए तो सभी जीवन जीते हैं, परंतु सेठ भागीरथ मल बुआनी वाला ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया। वह शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किया। जनता उसी को याद करती है जो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोचता है। आज सेठ भागीरथ मल बुआने वाला, जिन्होंने अपने समाज कल्याण के लिए सारा योगदान दिया, आज उनकी 29वीं पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल और उनका स्टाफ आज यहाँ पधारा है और उन्होंने अपने पुष्पांजलि सेठ भागीरथ मल को दी है। सेठ भागीरथ मल ने अपने जीवन में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया। उनका लाइफ पॉलिटिकल लाइफ भी था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे, जेल विजिटर भी रहे, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे और सारे जीवन आदरणीय श्री बनारसीदास जी गुप्ता के सानिध्य में रह के उन्होंने काम किया है और आज उनका सारा शहर याद करता है। आदर्श महिला महाविद्यालय बनाने में उनका विशेष योगदान था, वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने में उनका विशेष योगदान था और हमारा ट्रस्ट बुआनी वाला ट्रस्ट, जिन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन रिहेबिलिटेशन को दी और सभी संस्थाएं खड़ी करी, वेंकटेश विद्यालय, बहुत चैरिटेबल संस्थाओं में उन्होंने काम किया और इस ट्रस्ट के माध्यम से काफ़ी सेवाएँ दे रही हैं। ये बड़ी हर्ष का विषय है कि हर मनुष्य को समाज में आगे आने चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं भी आगे यही सोच रहा हूं कि उनकी प्रेरणा से हम सारा परिवार आगे यही कार्य करें। स्थानीय हालुवास गेट स्थित जहरगिरी आश्रम में शनिवार को 2 दिवसीय हरियाणा स्टेट सब जूनियर कुराश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महंत डॉक्टर अशोक गिरी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं कुश्ती की भांति होने वाले इस खेल में प्रदेश भर से करीबन 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि युवाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से सुदृढ़ होना भी बहुत जरूरी है और उसका एकमात्र रास्ता खेल ही है। उन्होंने कहा कि खेल को अपनाकर युवा न केवल अपना बल्कि देश का भविष्य भी चमका सकते हैं। खेल के दम पर युवाओं ने आज भिवानी व हरियाणा का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रोशन करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि खेल से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती भी मिलती है, इसलिए युवाओं को खेलों को अपनाकर भविष्य स्वर्णिम बनाना चाहिए। इस मौके पर हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गोड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई खेल नीति के तहत आज खिलाड़ियों को नौकरी व नगद पुरस्कार तक दिए जाते हैं। Yeah.
सेक्ट्री सोमबीर पावड़िया मैं रोहतक से हूँ। यहाँ पे जो अपना जहरगरी आश्रम है भिवानी के अंदर, इसमें राज्य स्तरीय सब जूनियर प्रतियोगिता कुरास की चल रही है। इसमें लगभग पूरे हरियाणा से 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज सब जूनियर है और कल यहाँ पे जूनियर है, और जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट आएंगे वो नेशनल खेलने के लिए धनबाद साहब झारखंड जाएंगे। और कल यहाँ पर जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी, वहाँ उसमें जो बच्चे फर्स्ट आएंगे वो सहारनपुर जाएंगे यूपी खेलने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी बच्चे होंगे वहाँ पर मेडल आएंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। उनकी स्कॉलरशिप आती है गोल्ड के 3 लाख रुपये और सिल्वर के 2 लाख रुपये, और जिनका ब्रॉन्ज आता है उनको 1-1 लाख रुपये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से राशि दी जाती है। और हमारे कई बच्चे जो 2018 का एशियन गेम हुआ था तो हरियाणा के बच्चे 4 उसमें सिलेक्ट हुए थे। 4 बच्चे इसमें जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर खेले थे और उनको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 7.5-7 लाख रुपये भी दिए गए थे। आज कुरास का प्रथम दिवस कुरास प्रतियोगिता बाबा जहगिरी आश्रम में चल रही है। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 700 बच्चे करीब भाग लेंगे, जो सब जूनियर और जूनियर। आज सब जूनियर का कार्य प्रतियोगिता चल रही है, इसके पश्चात कल चलेगी जूनियर की। कुरास उज्बेकिस्तान का एक गेम है या क्रिकेटिया है, यानी कि अपने जैसे कुश्ती है वैसे ही ये गेम है। और इसमें विद्यार्थी जो जितने भी गेम हैं खेल हैं वो एक भावना से खेल जाते हैं, और खेल का उत्प्रेरक है कि बच्चा अध्ययन के साथ में अपने शरीर का संपूर्ण विकास करे। खेल के द्वारा ही व्यक्ति, हम बैठे थे कमरे के अंदर तो अध्ययन पूरा नहीं कर पाते, खेल के द्वारा ही उस संपूर्ण विकास होगा शरीर का, रक्त संचार घूमेगा, जब उसकी बुद्धि का विकास होगा अन्यथा नहीं होगा। अपने बच्चों को आप हर गेम में डालिए, जो भी आपका गेम है, जो कि आपकी प्रतियोगिता है, वो खिलाड़ी हैं, किसी भी तरह का गेम ऐसा हो जो संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो सके। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के प्रांगण में कैंपस प्लेसमेंट मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बावल एवं गुजरात से आए मेडा इंडस्ट्रीज और याजाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आईटीआई से पास करीबन 125 छात्र छात्राओं में से 60 छात्रों का चयन किया। वहीं स्टाफ मेंबर्स ने इन छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है, को रोजगार की प्राप्ति हो सके। इस कैंपस प्लेसमेंट में हरियाणा के लगभग सभी जिलों से आए छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य व शिक्षुता अनुदेशक राजकीय आईटीआई भिवानी द्वारा जिला भिवानी से आईटीआई पासशुदा छात्रों को ज़्यादा संख्या में इन रोजगार मेलों में हिस्सा लेकर ऐसे रोजगार मुखी अवसरों का फायदा उठाने की अपील की है। इस अवसर पर सहायक रोजगार अधिकारी भिवानी कविता ग्रेवाल द्वारा रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाने के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। स्थानीय जैन चौक स्थित ठाकुर गंगू सिंह की गली के निवासी हरे पेड़ों को न कटवाने की मुहिम का मांग पत्र लेकर अतिरिक्त उपायुक्त से मिलने पहुंचे। उनका कहना था कि हमें वातावरण सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे कटवाने की बजाय और अधिक लगवाने चाहिए, जबकि स्वार्थवश यदि कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा हो तो उसे तुरंत रुकवा देना चाहिए। ज्ञापन पत्र देने पहुंचे गंगू गली निवासी शिव कुमार व विनोद का कहना था कि इन हरे पेड़ों को न काटा जाए, क्योंकि इन्हें उन्होंने अपने हाथों से लगाकर और कई वर्षों तक सींच कर बड़ा किया है। पेड़ हमारे वातावरण को सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने के बजाय लगाने चाहिए। उनका कहना था कि वह व्यक्ति अपने किसी स्वार्थवश इस पेड़ को कटवा रहा है, जबकि इससे गली मोहल्ले वाले को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सर, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं गली ठाकुर गंगू सिंह जैन चौक में रहता हूँ। हमारी गली में एक पेड़ था बहुत पुराना, 20 साल पुराना।
एक बंदे ने चुपके से एप्लीकेशन लगा दी, भाई ये पेड़ हमारे दिक्कत कर रहा है, मेरा फर्श फट गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पूरी गली हमारे साथ में है। बड़ी मुश्किल से हमने इस पेड़ को पाड़ा, तैयार किया, और अब प्रशासन इसको काटने पहुंच गया। कहीं तो सरकार दे रही है इनको पेंशन दो, कुछ और दो, लेकिन हमारा पेड़ किसी को नुकसान भी नहीं कर रहा, उसको काट क्यों रहे हैं, क्या समस्या उसमें? हम पूरी गली मोहल्ला साथ में है, एक बंदे की वजह से हम पेड़ को कटने नहीं देंगे। कौन बंदा है, क्या नाम? एक विनोद और एक शाम हमारी गली में। तो क्या कहते हैं? बस वो कुछ बात नहीं है, काम कुछ है नहीं, बस ये फालतू काम करने उनको। और जो पेड़ है वो हमारे घर के बिल्कुल सामने, ना कि उनके मकान के सामने। गली ठाकुर गंगू सिंह जैन चौक। और वो पेड़ भी हमारे प्लाट के साथ ही है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे पेड़ ऐसे की जैसे रह जाए। मैं विनोद, मैं सुबह भी गली गंगू सिंह में गया था, तो गंगू सिंह की गली में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। जिस पेड़ को काटने की मांग दो लोगों द्वारा की गई है वो बिल्कुल अनुचित है, गलत है। पूरा का पूरा मोहल्ला ये चाहता है कि ये पेड़ ना काटा जाए, क्योंकि पेड़ होंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा और हम अच्छे से सांस ले सकेंगे। इसलिए हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि मौका देखे या किसी को भेजे, जाकर देख के इस पेड़ को ना काटा जाए और पेड़ को बचाया जाए, यही हमारा अनुरोध है प्रशासन से। यूक्रेन से MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र धीरे धीरे अपने घर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कस्बा भवानी खेड़ा के गांव कुंगड़ में वीरवार देर रात यूक्रेन में ही पढ़ने वाले छात्र दीपक के घर वापसी पर परिजनों ने राहत की सांस ली। इस बारे में बातचीत करने पर दीपक ने विस्तार से जानकारी। इस बारे में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र ने बताया कि वह बड़ी कठिनाई का सामना करके भी यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से उनको भारत लाया गया। दीपक ने बताया कि रोमानिया के बॉर्डर पर उनको -5 डिग्री टेम्परेचर पर खुले आसमान में रहना पड़ा। दीपक ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि उनके द्वारा जो MBBS की फाइनल डिग्री कर ली गई है उसको उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। वहीं दीपक के पिता ने बताया कि वह भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके 3 बहनें और 3 बेटियों का इकलौता भाई आज सकुशल घर लौट आया है। कल रात अपने गांव आया हूँ। कल मेरी फ्लाइट गाजियाबाद, जो इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेशन है वहाँ पे लैंड हुई थी सुबह 9 बजे, और शाम को क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे बसे थे उनको ड्रॉप करते करते हुए हम इधर आए रात को 9 बजे। मेरी जो ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो लगभग 950 किलोमीटर दूर है रोमानिया बॉर्डर से। वहां से हम बस में चले 26 तारीख को सुबह दिन में 2 बजे, और फिर हमने लगभग 18 से 20 घंटे की ट्रैवलिंग की। उसके बाद लगभग हम 15 किलोमीटर पैदल चले हैं, जो 2 से 2.5 घंटे में। तो अगले दिन हमारा 3-3:30 बजे बॉर्डर क्रॉस हुआ है। हमें जो दिक्कत आ रही थी वो मैं बता रहा हूँ, और जो हमने देखी है हमारा बॉर्डर जल्दी पास है क्योंकि उस टाइम बॉर्डर खुलाई था और बाइलक हम पहुंच गए। लेकिन जो बच्चे हैं वहां दो तीन रातें उन्होंने काटी हैं, लड़कियों ने दो तीन रातें काटी हैं। वहां -5 टेम्परेचर है, स्नोफॉल हो रहा है, और वहां पे जो मतलब इंडियन एम्बेसी कम से कम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बॉर्डर पे छोड़ना चाहिए था, और कम से कम शेल्टर प्रोवाइड कराने चाहिए थे। बच्चे अंधेरे में और खुले आसमान के नीचे -5 आप समझ सकते हो, यहाँ अपने मार्च में यहाँ रात नहीं काटी जाती बार बिना खाने के। और मतलब लड़कियों को ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और मतलब बच्चे वहां दो तीन रात रहे। 2016 थे, खुशी तो भगवान की दया है, सरकार की भी मदद हुई है। कितने बच्चे हैं? 4, एक लड़का, 3 लड़की, 3 लड़कियां, बीच में एक भाई है। इसकी पढ़ाई कराई हम इन्हें, मतलब खूब मेहनत करकी, ये भी सरकार मतलब इन बच्चों का भविष्य संवारे, सर्टिफिकेट दे। नगर के सिटी स्टेशन के नजदीक ही ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति जब ट्रेन की पटरियों को पार कर रहा था तो अचानक ट्रेन के चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस ने अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी। भिवानी के सिटी रेलवे स्टेशन के निकट कल शाम एक व्यक्ति जो कि घर का सामान लेने के लिए खड़खड़ी फाटक की तरफ जा रहा था, सिटी स्टेशन के निकट नहर पर बने पुल पर ट्रेन की चपेट में आने से उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी गई। सूचना पाकर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी लेने पर मृतक की जेब से एक मोबाइल मिला, जिससे उसकी पहचान तेलुराम के रूप में हुई। तेलुराम सिटी स्टेशन लाइन पर रहता था। सूचना पाकर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी शिनाख्त की। परिजनों ने बताया कि तेलुराम घर का सामान लेने के लिए गया हुआ था, रेलवे लाइन के पास ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 बजे स्टेशन वाइज रेलवे स्टेशन भिवानी तरफ से एक मेमो प्राप्त हुआ था,
कि सिटी स्टेशन के पास नहर के पुल पर एक व्यक्ति रेलगाड़ी की चपेट में आने से मर गया है। इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ सहित मौका पर पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पुल के बीच में उलझ हुआ है, जिसकी तलाशी लेने पर एक मोबाइल प्राप्त हुआ। मोबाइल से नंबर लेकर उसके बेटे विनोद कुमार से बात हुई। विनोद कुमार और संजय ने मौका पर आकर के ने लाश को अपने पिता तेलुराम विनोदराम स्वरूप और सिटी स्टेशन भिवानी लाइन पार के रूप में शनाख्त किया। बच्चों के पूछताछ से पता चला है कि तेलुराम जो है ना अपने आटा खरीदने के लिए ककड़ी फाटे की तरफ आ रहा था और रेलगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लाश की कार्रवाई हेतु सीआरपीसी अमलवल ला दी गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को बराए अंतिम संस्कार मृतक के वारसानों के हवाले कर दिया जाए। हमारे संग में बस इतना, अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।